कल 1 फरवरी है, मोदी हुकूमत कल अपना आखिरी मुकम्मल बजट पेश करने वाली है, तो हमने कोशिश की ये जानने की कि स्टूडेंट इस बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या पहले जो भी बजट पेश किए गए उससे उनको फ़ायदा पहुंचा है। मोदी हुकूमत ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि एजुकेशन के लिए हमने ऐसी पॉलिसी तैयार की है कि हमारा मुल्क काफ़ी तरक्की करेगा और हमारे मुल्क के तुलबा काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या वाकई इसमें कुछ हकीकत है? ये जानने के लिए हमने कई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की जो पॉलिटिकल साइंस के भी थे और इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के भी। तो हम चलिए देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या उनकी उम्मीदें हैं आने वाले बजट के बारे में, और ये भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि GST और नोटबंदी जो हुई है क्या उससे उनको कोई फ़ायदा पहुंचा है या उल्टे उसका नुकसान पहुंचा है हमारे मुल्क की मईशत पर। देखिए, इस सरकार से उनको सबसे पहले हम कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि उनका जो शुरुआत से एक स्टूडेंट के प्रति रवैया रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अलग रहा है। इसी की 2017 में एजुकेशन में 9.9% बढ़ाया गया, मगर ग्राउंड वर्क जीरो है। मास्टर्स के बाद हम लोग को मौलाना आज़ाद की ये मिलती थी स्कॉलरशिप, तो उसको भी अभी बंद कर दिया गया, जैसे कि कल UGC पे एक प्रोटेस्ट भी है। तो कोई भी सरकार हो तो सबसे पहले उसको एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। गरीब बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनको मास्टर्स के बाद भी फेलोशिप दी जाए। तालीम के शोबे में मैं बजट से बहुत सारी उम्मीदें रखता हूँ। कहा जाता है कि एक राष्ट्र का निर्माण, एक राष्ट्र का बेहतर नेशन, बेहतर वतन तभी हो पाता है जब उसके युवा, उसके नौजवानों को बेहतर तालीम दिया जाए। गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि इस वक्त का जो बजट है 3.5%, उसको बढ़ा के कम 10% किया जाए एजुकेशन पे, ताकि गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को उनको वक्त पे स्कॉलरशिप मिल सके, यूनिवर्सिटी को फंड रिसर्च के लिए मिल सके, और इसके अलावा जितने भी हायर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पे जो बात गवर्नमेंट कर रही है उसको पूरा किया जा सके, न कि सिर्फ बातें बातें तक ही रह जाए। हिंदुस्तान की जो भी मालियात है वो बिल्कुल GST के बाद से कमज़ोर होते चली गई है, और इकोनॉमिक तो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ना तो गवर्नमेंट एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रही है, ना तो गरीब तबके पे पैसा खर्च कर रही है, और ना ही मदारिस के स्टूडेंट पे पैसा खर्च कर रही है। तो बहुत मुश्किल है कि हिंदुस्तान का जो भी मालियात है या वो काफ़ी कमज़ोर है अदर मुल्कों से, तो इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। नोटबंदी के बाद से जो कि हमारी इंडिया की इकनॉमी है वो बिल्कुल हिल सी गई है, GDP में इतना बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, मगर GDP से ज़्यादा इन लोग को एक ग्राउंड लेवल पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। रोटी कपड़ा मकान तो ये दे नहीं सके जनता को आज तक, आज भी कितने लोग हैं यहाँ जो कि रैन बसरों में रह रहे हैं मुल्क के हर कोने में, तो इनसे हम इकोनॉमिक इश्यूज़ पे क्या बात करेंगे। तो इन्होंने जो नोटबंदी किया, GST करा, मुझे लगता है कि उससे पहले इनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जितना भी लोग इस वक्त सड़कों पे हैं जिनके पास मकान नहीं है, कम से कम उन्हें पहले घर, शिक्षा और रोज़गार, जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ है, वो तो दे दें, बाकी ये तो बात की बात है। देखिए, अब बात करें जो आप जो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और रिसर्च स्कॉलर होने के नाते मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको। रिसर्च स्कॉलर के लिए मौलाना आज़ाद फेलोशिप दी जाती है, नॉन नेट फेलोशिप दी जाती है, और जो स्कूल में 10th की प्री मैट्रिक दी जाती है, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप दी जाती है, वो सारे फेलोशिप 1-1.5 साल से बंद कर दी गई है। पिछले बजट में भी बंद कर दी, इस बार भी बजट जो है सुनाई महाराज को बंद की जा रही है। उसके बाद जो बात करें एजुकेशन की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो अभी प्रेजेंट की जो सरकार है, मोदी जो सरकार है, शिक्षा पर बजट ना के बराबर खर्च कर रही है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सरकार जो है शिक्षा को अवॉइड कर रही है, पॉलिसीज़ को अवॉइड कर रही है, और वो पॉलिसी जो है कहीं और इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उन पैसों को कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार डिक्रीज फॉर्म में है। तो सरकार की जो मनसा है जो छात्रों के प्रति, वो जो है वो नेगेटिव है। और उसके बाद पिछले दो साल पहले आपने देखा होगा कि नॉन नेट फेलोशिप को बंद कर दिया गया है, तो सरकार बहुत सारे आर्गूमेंट देती है, तो सरकार ये फेलियर है और कहीं ना कहीं छात्रों को इनडायरेक्ट तरीके से दबा रही है।